नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह। मेरे YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी व गाड़ी में रखा हुआ सामान का जो वेट है वो टायर पर पड़ता है, टायर ही लेकर चलता है। तो टायर जब रोड पर चलता है इतना लोड लेकर, तो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिससे टायर वियर आउट होता है। अब ये टायर कितने प्रकार से वियर आउट होता है और इसके क्या कारण हैं जिससे वियर आउट होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, टायर मुख्यतः 7 प्रकार से वियर आउट होता है यानी घिसता है। नंबर 1, सेंटर वियर आउट। जब टायर का बीच वाला हिस्सा घिसने लगता है और उसके जो किनारे हैं वो थोड़े कम घिसते हैं तो उसको सेंटर वियर आउट कहते हैं। सेंटर वियर आउट टायर जब घिसता है जब टायर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है यानी रिकमेंडेड प्रेशर से अधिक होता है तो टायर बीच से घिसने लगता है। दूसरी तरह से जो वियर आउट होता है वो है आपका टू साइड वियर आउट। जब टायर का दोनों किनारे ज़्यादा घिसने लगते हैं और बीच में टायर कम घिसने लगता है तो उसको कहते हैं टू साइड टायर वियर। ये इस तरह से जो टायर का घिसना आपके टायर में अगर एयर प्रेशर रिकमेंडेड प्रेशर से कम रहता है तो टायर के दोनों किनारे जल्दी घिस जाते हैं और बीच वाला हिस्सा देर में घिसता है, कम घिसता है। तीसरा जो है वो है वन साइड टायर वियर, टायर का एक साइड से घिसना। दोस्तों, टायर का एक किनारा जल्दी घिस जाता है चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो तो उसको वन साइड टायर वियर कहते हैं। ये किस तरह से घिसता है? आपकी गाड़ी का टो एंगल जो होता है टायर का, वो टो इन है तब भी साइड से घिसेगा, टो आउट है तब भी साइड से घिसेगा। टो इन में आपका बाहर वाला किनारा घिसता है और टो आउट में अंदर वाला किनारा घिस जाता है। दूसरा, इसकी वजह और भी होती हैं, जैसे आपका अगर कैम्बर प्लस में है, पॉजिटिव है, तब भी एक साइड टायर घिसेगा या नेगेटिव है तब भी एक साइड टायर घिसेगा। उसके अलावा अगर सस्पेंशन आपका वीक है, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन वीक है जिससे टायर का जो एंगल है वो बिगड़ जाता है, उससे भी टायर वन साइड वियर होता रहता है। चौथा जो कारण है प्रकार है घिसने का वो है टायर फेदरिंग। ये टायर फेदरिंग क्या होता है? ये जब हमारी गाड़ी की टो इन ज़्यादा आउट होती है या टो आउट ज़्यादा आउट होती है तब टायर में एक किनारे से लेके दूसरे किनारे से धीरे 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 घिसता जाता है टायर। आप उसको हाथ से टच करके भी महसूस कर सकते हैं। अगर हम हाथ से टच करेंगे टायर के ऊपर, टायर की जो ट्रेड है उसके किनारे से खड़े हो जाएंगे, वो उसको टायर फेदरिंग कहते हैं। वो आपकी गाड़ी की अगर टो आउट ज़्यादा है या टो इन ज़्यादा है तब इस प्रकार से टायर घिसता है। पांचवा जो कारण है वो है अनइवन वियर। अनइवन वियर जब टायर का कोई भी किनारा कम ज़्यादा घिसता, अनइवन घिसता है, कहीं घिस गया कहीं नहीं घिसा, कहीं घिस गया कहीं नहीं घिसा, ऐसे एक सीढ़ी लेयर सी बन जाती है, हल्के हल्के स्पोर्ट्स से आ जाते हैं जो ट्रेड है उस पर
एक ट्रेड घिसेगा, एक ट्रेड फिर नहीं घिसेगा, एक घिसेगा, इस प्रकार से जो घिसता है उसे अनइवन गियर कहते हैं। दोस्तों ये होता है जब गाड़ी का शॉकर आपके वीक हैं या शॉकर का कोई पार्ट खराब है तब होता है, या आपका टायर के बैलेंसिंग भी आउट है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या सस्पेंशन वगैरह वीक हो जाता है तब भी टायर ऐसे घिसने लगता है। छठा जो है आपका टायर घिसने का प्रकार वो है कपिंग वियर। कपिंग वियर में क्या है, टायर का जो ऊपर टॉप एरिया है, जो ट्रेड है, वो आपका कहीं से घिस जाएगा, पूरा स्पॉट आ जाएगा, फिर नहीं घिसेगा, उसके बाद फिर कहीं जाके फिर घिस जाएगा, फिर कहीं दूसरी जगह घिस जाएगा, ऐसे स्पॉट वियर आ जाता है जगह जगह, कहीं ज़्यादा घिस गया बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल सही, फिर ज़्यादा घिस गया, फिर उसके बाद सही, ऐसे कहीं कहीं स्पॉट आ जाता है, स्पॉट वियर आ जाता है, तो उसको कपिंग वियर बोलते हैं। कपिंग वियर आ जाता है टायर में। ये किस वजह से होता है, ये गाड़ी का जब सस्पेंशन ज़्यादा ख़राब होता है, आपका लोअर आर्म बुश है, सस्पेंशन बुशेस कट जाते हैं, जिससे टायर कपिंग वियर हो जाता है। सातवां जो प्रकार है टायर घिसने का वो है आपका फ्लैट स्पॉट वियर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते जैसे सडनली से ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक तो लग जाते हैं लेकिन टायर कुछ दूरी पर रुक के ब्रेक लगे हुए रगड़ता चला जाता है, जिससे टायर में एक जगह घिस जाता है, टायर वियर आउट हो जाता है और ऐसे स्पॉट आ जाता है जैसे कहीं जल गया हो, रबड़ है शॉकर जो टायर है हमारा वो रबड़ पार्ट है, और एकदम से स्पीड होगी, ब्रेक लगेंगे, पहिया जाम हो जाएगा और रगड़ता हुआ चला जाएगा, तो वहाँ पर टायर पर स्पॉट तरीके से ये घिस जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लैट वियर, फ्लैट स्पॉट वियर। तो दोस्तों ये सात प्रकार से टायर घिसते हैं, इनको इनसे बचने के लिए टायर ना घिसे उसके लिए हमें गाड़ी की अलाइनमेंट टाइम टू टाइम करानी चाहिए, उसके बाद सस्पेंशन आपका सही होना चाहिए, अलाइनमेंट से पहले सस्पेंशन चेक कराइए, सस्पेंशन में शॉकर्स, चिमटे, बियरिंग, स्टीयरिंग जो इसके पार्ट हैं वो आपके सही होने चाहिए, और एयर प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हैं कुछ टायर घिसने के बारे में। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।